सब गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल ऑन अ न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन बाद आज फिर से मैं कैमरा उठा के शुरू हो गया हूँ, क्योंकि यार कॉलेज में लाइफ में काफ़ी बिजी हो गया हूँ और फिर पढ़ना और ये सब कुछ करना, व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इस वक्त टाइटल देख लिया होगा ना आपने, तो डेफ़िनेटली हम जा रहे हैं पेशावर। तो पेशावर अपनी किस मकसद से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए। गाड़ी मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया होगा पिछले व्लॉग्स में कि हमारी गाड़ी क्रोला 1986 काफ़ी ख़राब है बिल्कुल जी। जब से फादर नहीं है ना मेरे, तो तब से ना उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि खड़ी रही। अभी हम उसको पेशावर लेकर जा रहे हैं और तैयार करवाने के लिए। तो नाम है व्लॉग का प्रोजेक्ट 1986। तो आए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि गाड़ी के क्या हालात हैं और कैसे हम पेशावर जा रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे, बाय रोड बाय मोटरवे जैसे जाएंगे आपको दिखाते हैं, पिंडी टू पेशावर। तो आए आपको दिखाते हैं, आज लेकर चलते हैं आपको बाय रोड दिखाते हैं अपनी गाड़ी। ये गाड़ी नहीं, ये तो वैस बाइक है। आपको नेक्स्ट दिखाते हैं अपनी गाड़ी के हालात जो कि बहुत बुरे हैं इस वक्त। ये हमारी गाड़ी है, इसको देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि इसके हालात कितने बुरे हैं इस वक्त। फुल ऐसे हुई है, मतलब खराब से स्टार्ट हो रही है, जान चलने काबिल है, बाकी तो इतना खास नहीं है। इंजन शंजन सब खराब, इसकी पोस्चर भी सब खराब है। देखें आगे तो देखें, यहाँ से टूटा हुआ हर जगह में कोई ना कोई इसका फिलहाल नुक्स पड़ा हुआ है। अभी हम लेकर जा रहे हैं इसको भाई के साथ। देखिए इसकी हालत कितनी ख़राब है, आपको अंदर से भी इसको दिखाते हैं। लेकिन जी इसकी इंटीरियर की हालत है, देखें बिल्कुल खटारा, कोई इसमें मतलब सिर्फ ये आवाज़ देखी आपने, इंजन की आवाज़ भी इतनी ख़राब है। और अब देखते हैं पेशावर जाकर क्या होता है, मे भी काफ़ी टाइम लग गया है। इसको तो हम छोड़ के आ जाएंगे, इसके साथ रहने नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी ठीक करवाने के लिए तकरीबन कम से कम महीना या मे भी ज़्यादा लग जाए। तो वहाँ पर सिर्फ जाएंगे, आपको रास्ते में दिखाएंगे, बाकी कोई विजिट शिजिट हुआ तो वो भी आपको ब्लॉग बना कर दिखाएंगे। कोशिश करूँगा कि ब्लॉग ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं हो, हॉर्न बज गया था सारे पीछे कह रहे हैं। अच्छा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ब्लॉग स्किप कर करके दिखाऊँगा क्या शुगर मेला लगता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक की तरह। बाकी गुड हो गया जी, बाय बाय मेरे तोतों। मैं इनको एक दिन के लिए इनके सारे पर ये दाना जाना डाला हुआ है और बाकी मैंने इनको आज उबला अंडा डाला है। और ख्याल रखना अपना खुद, मैं तो जा रहा हूँ, पता नहीं अब क्या होता है पीछे, अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ इनको। तो गए सभी, पहले ये गाड़ी निकलेगी फिर पीछे पीछे ये निकलेगी। और अभी ना अवैस भाई और अली फ़ोटो शूट कर रहे थे अपनी, तो पीछे मेरा ये पिंजरा आ रहा था, इनको नहीं पता इनकी सारी पिक्स ख़राब हो गई है इस वक्त, इनका सारा बैकग्राउंड में पिंजरा आ रहा था। अभी आप ये देखें अवैस भाई, ये अभी ये वाली गाड़ी इनकी है और उस गाड़ी में हम जाएंगे। तो चलें चलते हैं, अपना आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का। काफ़ी दूर हुई है गाड़ी पर और अभी निकालने लगे हैं, गेट वगैरह खोल दिए। देखें जी साइकिल, ये साइकिल साइड पे करने, ये किसकी है साइकिल साइड पे करें। यह जी हमारी गाड़ी निकल चुकी है, इंशाल्लाह जब वापस आएगी तो हमारी गाड़ी ऐसी हो जाएगी ऐसी शेप में तो नहीं होगी, बस क्वालिटी पेंट इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ इंशाल्लाह तैयार हो के आएगा। दुआ करना आप हमारे लिए ताकि अच्छा ही हो जो भी हो। ओह यार ये टूट गया, गमला टूट गया, बम्पर का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गमला ही टूटा है, बम्पर का कुछ नहीं हुआ। यार असल में दो गाड़ियां खड़ी थी ना तो निकालते हुए मसला हुआ है। दो सेकंड यार रश मान रही है, जल्दी जल्दी बस हो जाए ना,
बम्पर बच गया, ये गमला टूट गया। ठीक है चले जाने दें, जाने दें, जाने दें यार, वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे करते करते। चले आपको बाद में दिखाते हैं, गेट बंद करो जी। ठीक है गेट को डालते हैं ताला और निकलते हैं, क्योंकि बाहर वो होंगे इंतजार में। तो चले घर को बाय बाय कर। तो जी हो गया हमारा सफर का आगाज हो गया, मैं वैश भाई के साथ हूँ और अली आगे गाड़ी लेकर जा रहा है। निकल आए, अवैस भाई भी कह रहे थे कि किस जगह को सागर ले आए हो रश में, और फिलहाल अभी आगे अली जा रहा है गाड़ी में, और अभी हम यहाँ से निकल के पिशावर रोड पे चढ़ेंगे, पिशावर रोड से मोटरवे से फिर जाएंगे। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इस पार्ट को पार्ट्स में मैं व्लॉग बनाऊँगा, इस पार्ट को अभी के लिए एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर इसी का ब्लॉग बता गया ना, घंटे डेढ़ का ब्लॉग मान जाना, और आपने कहना कि ये अभी एक ही ब्लॉग को पकड़ के बैठ गए। तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर कर दें, एक लाइक एक सब्सक्राइब से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। ब्लॉग का एंड करते हैं, किसी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।